Hello dear students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Taparia Girls College, and today we are going to start with essays. Till now we have completed our 5 short stories, and today we will start with essay. So that today's essay's name is Third Thoughts. What is the name? Third Thoughts by E.V. Lucas. ठीक है, जो थर्ड थाट्स ऐसे है E.V. Lucas ने लिखा है. उनकी जो लाइफ स्पैन है 1868 टू 1938 है. अब थोड़ा सा हम हमारे ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे की. सो लेट स्टार्ट. एडवर्ड वेरल ल्यूकस, इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, एसेइस्ट, प्ले राइट, बायोग्राफर, पब्लिशर, पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एडिटर. क्या है, हमारे जो E.V. Lucas हैं इतने सारे रोल निभा चुके हैं, इतनी सारी उनकी क्वालिटीज़ हैं. क्या है वो? ह्यूमरिस्ट हैं, ह्यूमर लिखते हैं. एसेइस्ट हैं, ऐसे लिखते हैं. प्ले राइट हैं, प्लेज भी लिखते हैं. बायोग्राफर है, बायोग्राफी भी लिखते हैं, मतलब किसी पर्सन की लाइफ के बारे में. पब्लिशर है, बुक्स पब्लिश भी करते हैं. पोएट है, पोएम भी लिखते हैं. नॉवलिस्ट है, नॉवल भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं. राइटर है और एडिटर भी है, एडिटिंग भी करते हैं. तो हमें ये फर्स्ट सेंटेंस से ही पता चल गया कि जो हमारे ऑथर हैं वो कितने वर्सेटाइल थे. ही इज़ अ वर्सेटाइल राइटर. ठीक है, ही बिगैन वर्क एट द एज ऑफ 16 साल की एज में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. आफ्टर दैट ही टर्न टू जर्नलिज्म. ठीक है, और जर्नलिज्म में यानी कि जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं उन सब में भी उन्होंने काम किया है. जो लोकल पेपर था वहाँ का ब्राइटन, उसके लिए उन्होंने काम किया. एंड ही इज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड फॉर शॉर्ट एसेज. लेकिन वो सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए हुए? अपने शॉर्ट एसेज के लिए. ठीक है, तो ये था हमारे ऑथर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन. अब हम बात कर लेते हैं हमारे एसे की. ठीक है, तो हम ऐसे का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे की समरी देखेंगे. हमारा जो ऐसे है इज़ अ जेंटल सटायर ऑन आवर सिविलाइजेशन वेयर मनी मेकिंग हैज़ बिकम मेन मोटो ऑफ मॉडर्न मैन. तो जो हमारा ऐसे है इज़ अ जेंटल सटायर, एक व्यंग्य है हमारी सिविलाइजेशन पे, हमारी सोसाइटी पे, जो ये बताती है कि जो मनी मेकिंग है, पैसे कमाना ही हमारी सोसाइटी का मेन मोटो हो गया है. मेन जो लक्ष्य है हमारी सोसाइटी का वो क्या रह गया है? पैसे कमाना. ठीक है, नरेटर इज़ ऑथर्स फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन नरेटिव. ठीक है, ये ऐसे में जो नरेटर है, जो ऐसे में बात करेगा हमसे, वो जो है ऑथर का फ्रेंड है. ठीक है, हमारी जो ऑथर है वो ऐसा दिखाएंगे ऐसे में कि उनका फ्रेंड, ऑथर का फ्रेंड, E.V. Lucas का एक फ्रेंड उन्हें अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेगा. तो वो जो एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा है वो E.V. Lucas ने ऐसे के थ्रू हमें बताया है. ठीक है, तो जो इसका नरेटर है वो फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखा है. ये जो ऑथर है इन्होंने जो ये ऐसे है ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखा है. ठीक है, टाइटल थर्ड थाट्स इज़ ह्यूमरस बेस्ड ऑन इडियम सेकेंड थाट. ठीक है, ये जो टाइटल है थर्ड थाट्स ये ह्यूमरस है, थोड़ा सा इसके अंदर ह्यूमर है, थोड़ा हंसी मजाक है इसके अंदर, क्योंकि ये जो इडियम है सेकेंड थाट, हम सेकेंड थाट कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं होते हैं या हम थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम क्या बोलते हैं कि गिव इट अ सेकेंड थाट, कि मतलब एक बार फिर से सोच लीजिए आप, है ना. तो लेकिन इसमें जो टाइटल है ये है थर्ड थाट्स है, क्योंकि जो इसमें ऑथर है, सॉरी नरेटर है, वो बार बार सोचता ही रहेगा. ठीक है, और क्यों सोचता ही रहेगा? बिकॉज देयर इज़ नो एंड टू थिंक वेयर वंस माइंड इज़ टेकन ओवर बाई सेल्फिशनेस. मतलब जब हमारा माइंड में सेल्फिशनेस से भर जाता है, जब हम किसी चीज़ के लिए सेल्फिश हो जाते हैं. ठीक है, सपोज़ हमें कोई प्रॉफिट हुआ, या हम किसी चीज़ से खुश हैं, या हमारे कोई अच्छा सा हमें कोई नोट्स मिल गए, हम कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं कि नहीं अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करेंगे ऐसा करके. तो जब हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, तो थिंकिंग का कोई एंड ही नहीं होता है, हम सोचते ही जाते हैं. फिर हम सेकेंड थाट, थर्ड थाट, फोर्थ थाट, कितने भी थाट्स हम सोचें, वो थिंकिंग का जो है वो एंड नहीं होता है. यही हमारे ऐसे में दिखाया है हमारे ऑथर ने, और इसीलिए जो टाइटल है उसका नाम है थर्ड थाट, क्योंकि वो बार बार अपने थाट्स जो है वो ऐसे में चेंज करता रहेगा. ठीक है, अब हम जान लेते हैं ऐसे की समरी. ठीक है, जो नरेटर है वो डेकोरेटिव आइटम्स में डील करते हैं. वो क्या करते हैं, कुछ सामान लेते हैं यहाँ से और दूसरी जगह पे जाकर बेच देते हैं, लेकिन उनको कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट होता ही नहीं है. मतलब कोई भी अगर कोई भी उनको सामान कम से कभी कभी तो इतना लो रेट में बेचना पड़ता है, इतने कम पैसे में बेचना पड़ता है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि चलो इतने कम पैसे में लेकर इसने मुझ पर एहसान कर दिया है.
ठीक है, तो मतलब फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें हमारे जो नरेटर है वो हमें बताते हैं कि वो डेकोरेटिव आइटम्स में डील करते हैं, यहाँ से चीज़ें लेकर वहाँ पर बेचते हैं और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, लेकिन जनरली होता क्या है जो अमाउंट में वो खरीदते हैं सामान वैसे ही उसी अमाउंट में उनको बेचना भी पड़ता है, इतने कम पैसों में उनको बेचना पड़ता है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि फिर भी वो थैंकफुल होते हैं कस्टमर के लिए कि चलो इन्होंने मेरा सामान खरीद लिया, तो कभी भी उनका सामान जो है वो ज़्यादा अच्छी रेट्स में बिकता ही नहीं है या फिर बिकता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार क्या होता है कि जो एक पोर्टफोलियो होता है एक ड्राइंग का, वाटर कलर बेस्ड ड्राइंग का, वो मिलती है उनको एक शॉप पे, ठीक है, तो वो उनको बहुत, उनमें से जो एक ड्राइंग है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, ठीक है, तो वो जो उनको पसंद आती है तो वो पूछते हैं, उनको ऐसे लगता है कि शायद वो ज़्यादा पैसे में बिक जाएगी, तो वो जो शॉपकीपर से पूछते हैं कि आप इसके कितने पैसे लेंगे, तो बोलता है 10 शिलिंग्स, ठीक है, 10 शिलिंग्स लूँगा, शिलिंग्स इज द करेंसी, तो वो 10 शिलिंग्स में वो ख़रीद लेते हैं और उसी दिन उसको वो जो पेंटिंग जो होता है ड्राइंग होता है उससे इतना प्रॉफिट मिलता है, वो उसको 50 पाउंड्स में बेचते हैं, यानी 49 पाउंड्स का सीधा सीधा उसको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। अब उसको प्रॉफिट मिल गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, उसका माइंड इज़ टेकन ओवर बाय सेल्फिशनेस, अब वो हो गया सेल्फिश, ठीक है, पहले तो वो सेल्फिश नहीं होता है, पहले वो सोचता है कि अरे वाह मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ, शॉपकीपर के लिए वो थैंकफुल होता है, वो बहुत खुश होता है, वो घर जाता है बहुत खुश होता है और सोचता है कि जिस शॉपकीपर ने मुझे इतने कम पैसे में वो ड्राइंग दी थी तो मैं क्या करूँगा, अपना जो 49 पाउंड्स का आधा, ठीक है, उसका प्रॉफिट जो 24.5 जो 49 पाउंड्स का आधा जो प्रॉफिट है वो मैं अपने वो जो शॉपकीपर से मैं लाया था ड्राइंग उसको दे दूंगा, क्योंकि वो डिज़र्व करता है, उसने मुझे इतनी अच्छी पेंटिंग इतने कम दामों में दी, उसकी वजह से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, तो मैं क्या करूँगा उसको ये जो आधा प्रॉफिट है मैं शॉपकीपर को दे दूंगा, ठीक है। ये होता है उसका फर्स्ट थॉट। अब क्या होता है, वो सोचता है ऐसा और लेटर लिखता है एक कि मुझे आपकी जो ड्राइंग थी उससे बहुत ज़्यादा पैसे अच्छा प्रॉफिट मिला, उसका आधा मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। फर्स्ट थॉट उसका यही होता है, एक बार में उसके दिमाग में जनरोसिटी आती है, जनरस हो जाता है वो कि चलो अच्छा है किसी ने मेरा फ़ायदा कराया तो मैं भी उसको उसका जो है थैंकफुल होकर उसके लिए कुछ करूँ, ठीक है। तो जो उसका फर्स्ट थॉट है वो चेंज कब होता है, उसके पास स्टाम्प नहीं होता है, ठीक है, तो वो लेटर को पोस्ट नहीं कर पाता है। अब अगर वो लेटर को पोस्ट नहीं कर पाता है जो दोबारा सोचता है लेटर को पोस्ट करने की, तो उसका जो थॉट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हो गया उसका सेकेंड थॉट, ठीक है। अब थॉट चेंज कैसे हो जाता है, अब वो सोचता है कि मैं उसको आधा क्यों दूँ, 10 पाउंड्स बहुत है, 10 पाउंड्स ही दे देता हूँ, वैसे भी कौन देता है, कोई उसने मुझसे मांगा तो है नहीं, तो 10 पाउंड्स ही मैं उसको दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद सोचते सोचते वो सोचता है कि नहीं 10 पाउंड्स भी नहीं दे सकता हूँ, 5 पाउंड से दे देता हूँ, है ना, फिर वो सोचता है कि 5 पाउंड से दे देता हूँ उसको मैं, क्यों बोलता है ऐसा, बोलता है कि अगर मैं उसको पैसे दूंगा तो मेरे जैसा तो कोई भी जनरस कस्टमर उसको मिलेगा ही नहीं कि सामने से आके उसको पैसे दे कि मेरी आपकी वजह से मेरा फ़ायदा हुआ तो आप ये पैसे रखो अपना प्रॉफिट रखो, तो वो सोचता है कि कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं आएगा कि जो अपना प्रॉफिट शॉपकीपर के साथ शेयर करेगा, ठीक है, तो बाकी कस्टमर्स के लिए जो है उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी अगर मैं इतना अच्छा कस्टमर बन गया अगर मैंने उसको पैसे दे दिए तो, ठीक है। तो ये सोच के वो सोचता है कि 5 पाउंड्स इज इनफ, 10 या 5 पाउंड्स मैं उसको दे देता हूँ और बोल दूंगा कि मुझे फ़ायदा हुआ इसके लिए ये आप रखो, ठीक है। अब ये होता है इसका सेकेंड थॉट। अब वो वापस क्या सोचता है, सुबह हो जाती है, वो सोचता है कि चलो ठीक है, अब वो सोचता है कि मैं उसको दूँ ही क्यों पैसे, उसने मुझसे मांगे थोड़ी ना, मैंने तो उससे मैंने खरीद लिया उससे, मैंने बेच दिया, जितना प्रॉफिट हुआ मेरा है, मैं क्यों किसी को कुछ दूँ, ठीक है, ऐसा उसका थॉट होता है। फिर वो सोचता है कि ऐसा करूँगा कि 1 पाउंड मैं उसको दे दूँगा और लेटर में लिख देता है कि ये 1 पाउंड मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आपकी जो पेंटिंग थी आपकी जो ड्राइंग थी वो मेरे लिए गुड लक साबित हुई, उसने मुझे बहुत सारा प्रॉफिट कमा के दिया और थैंकफुल होकर मैं आपको ये एक पाउंड भेज रहा हूँ, और क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि अपना गुड लक जो है वो शेयर करना चाहिए, ऐसा वो सोचता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो लेटर में लिख लेता है पॉकेट में डालता है और बाहर चला जाता है क्लब में, ठीक है। अब क्लब में वो इतना अच्छा खेलता है क्योंकि वो बहुत खुश होता है ये सोच के कि उसने लेटर पोस्ट ही नहीं किया। उसका लास्ट थॉट क्या होता है कि मैं कुछ भी शेयर करने ही नहीं वाला हूँ, ठीक है। लास्ट थॉट उसका ये होता है कि ये तो कॉमन टर्म्स है बिजनेस की कि जो खरीदेगा जो मैंने खरीदा है शॉपकीपर से मैंने उसको उसके पूरे पैसे दिए जितने उसने मांगे, अब मैंने उसको कितने में भी सेल किया हो मैंने उसको कितने में भी बेचा हो वो प्रॉफिट मेरा है, तो ये तो एक जनरल टर्म है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई भी वो देने की प्रॉफिट देने की तो कोई बात ही नहीं है, कोई अच्छाई की तो इसमें बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो ट्रेडिंग के रूल्स हैं, तो ये सोचकर क्या है वो उसको 1 पाउंड भी नहीं देता है, इनफैक्ट बताता भी नहीं कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, और वो जो इंसिडेंट है उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। अब क्या हम देखते हैं ऐसे में कि जो मैन है
जो नरेटर है उसको प्रॉफिट होता है किसी की वजह से, तो उसकी थॉट्स कैसे चेंज होती है। हमारे जो थॉट्स हैं वो एसेइस्ट हमें बताना चाहता है कि जो हमारे थॉट्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, ठीक है। अब पहले वो सोचता है कि मैं अपना प्रॉफिट शेयर करूंगा क्योंकि उसकी वजह से, क्योंकि उस टाइम बहुत खुश होता है, ठीक है, वो इतना खुश होता है कि उसको इतना अच्छा प्रॉफिट मिला, तो वो सोचता है कि मैं अपना प्रॉफिट शेयर करूंगा, ठीक है। अब वो प्रॉफिट शेयर कर नहीं पाता है क्योंकि वो लेटर पोस्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास स्टैम्प नहीं होता, वो लेट हो जाता है, तो वो सोचता है, उसका थॉट चेंज हो जाता है क्योंकि अब उसका माइंड स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया, उतना ज़्यादा भी अब वो खुश नहीं है, अब वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है। सेल्फिश हो गया तो वो सोचता है कि मैं उसको 10 pounds दूंगा, ठीक है। फिर वो थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है, फिर बोलता है कि 5 pounds से दूंगा, फिर सोचता है कि नहीं 1 pound ही दूंगा, और फिर देता ही नहीं है, ठीक है, और फिर वो बात ही वहाँ पे ख़त्म कर देता है। इनफैक्ट बताता भी नहीं है शॉपकीपर को जाके कि उसकी पेंटिंग, उसकी जो ड्राइंग थी उसकी वजह से उसको इतना फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी, ये था हमारा ऐसे की समरी। आप ऐसे को अच्छे से रीड करेंगे और जो इंट्रोडक्शन था ऑथर का, ईवी लुकस का, वो भी अच्छे से रीड करेंगे और पॉइंट वाइज आप दिमाग में रखेंगे। जब भी आप कुछ स्टोरी या ऐसे कुछ भी पढ़ेंगे तो उसकी जो पूरी समरी है पॉइंट वाइज अपने दिमाग में याद रखेंगे, तो आपको हमेशा वो स्टोरी याद रहेगी, हमेशा वो ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से रीड करेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज या कॉल करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।